चार बजे जसोदा जी उठी और बच्चे को पलंग पर रख करके नीचे चली गई और दधि मंथन करने लग गई। अपने बेटे की जो बाल्य लीलाएं हैं उनका गायन करने लगी। दधि के पात्र में जो मंथन चल रहा है उससे जो आवाज निकल रही मानो मृदंग का पिछला भाग, हाथों में चूड़ी और कंगन है, वो मधुर करताल जैसा। अब जब कृष्ण की मैया है तो कितनी सुंदरी होंगी, सूक्ष्म वस्त्र पहनी है। दधि मंथन से पसीने के बूंदे मानो मोती झर रही है, केस खुल गया है, फूल उसमें से भी गिर रहे हैं और तन्मय होकर के गायन कर रही है। गोविंद दामो धर्म धवेशी, गोविंद दामो धर्म धवेशी।